हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं डीटी हेल्थ हैक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्किन लाइटनिंग कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ हमने लेमन का अच्छे से लेमन को जो बीज थे उसके निकाल लिए हैं। इसमें हम 1 स्पून वाटर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें वाटर ऐड करें, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बस तब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे और हमारा ये लेमन जूस रेडी है लगाने के लिए। आप चाहें तो इसे ऐसी स्प्रे बॉटल में फिल करके लगा लें, या फिर आप इसे कॉटन से लेकर के अपने फेस पर अप्लाई कर लें। चलिए मैं इसे इसमें फिल करके देन अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग बनाया, आप इसे जब भी बनाएं फ्रेश बनाएं। और लेमन के बेनिफिट्स हम सभी जानते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। और जैसे कि हमने अपने बड़े बुजुर्ग से घर में सुना ही होगा कि लेमन मैल काटता है और लेमन काफ़ी दाग धब्बे और स्किन वाइटनिंग करने में हेल्प करता है। ये काफ़ी पुराना ट्रिक है गाइस। तो इसे मैंने इस कंटेनर में कर लिया। चलिए गाइस, ये हमने स्प्रे बॉटल में कर लिया है। अब हम इसे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कॉटन से या फिर कॉटन पैड से अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रे कर लेंगे, याद रहे गाइस आंखें बंद करके, नहीं तो आपकी आंखों में जा सकता है। अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे। जब आप ये लगाएं तो आपकी स्किन पे किसी भी तरह का पिंपल या स्कार, मतलब कोई भी छिला कटा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको मिर्ची लगे, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, थोड़ा शार्प होता है तो आपकी स्किन को लगेगा। तो इसको ऐसे ही रहने दें जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको नॉर्मल वाटर से या फिर कोल्ड वाटर से हम इसे वॉश कर लेंगे। गर्म पानी से इसे वॉश नहीं करना है गाइस। इसको ऐसे ही यूज़ करते रहें और धीरे धीरे आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी, आपके पिंपल्स के मार्क्स दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी स्किन वाइट होने लगेगी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।